दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं आपको एप्पल कारप्ले में सारी की सारी एप्स रन करके दिखाऊंगा, जितनी भी मेरे फोन में ये एप्स हैं। अब ये आप भी अपने फोन में रन कर सकते हैं, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आज का ट्यूटोरियल हम शुरू कर। दोस्तों ये देखिए, मैं अपने फोन को जैसे कनेक्ट करूंगा डाटा केबल के साथ, ये देखिए ये कारप्ले अटैच हो चुका है। ये देखिए, अब आपको ही पता होगा, अगर आप ऑलरेडी कारप्ले यूज कर रहे हैं अपनी कार के अंदर, तो आपको ही पता है यूट्यूब की ऐप रन नहीं हो सकती, वीएलसी प्लेयर नहीं रन हो सकता, उसमें कुछ ही जैसे एप्स हैं जो रन हो सकती हैं जैसे बाय डिफॉल्ट है। बट आज मैं आपको ये सारी एप्स रन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये यूट्यूब रन करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ये देखिए, ये देखिए YouTube रन हो रहा है। मैं इसमें आपको कोई भी वीडियो चला के दिखाऊंगा। ये देखिए, इसको हम फॉरवर्ड करते हैं। ये देखिए, अब इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी चाहें। अब आपको कोई और वीडियो भी रन करके दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये सॉन्ग रन करके दिखाता हूं। इसी तरह आप कोई भी YouTube की वीडियो रन करना चाहें, आप कारप्ले में रन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ YouTube नहीं, आप कोई भी वीडियो इसमें रन कर सकते हैं। कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म हो, कोई भी ऐप हो आपके फोन में, आप रन कर सकते हैं। ये देखिए, आपको एक मैं और वीडियो रन करके दिखा रहा हूं। मैक्सिमाइज किया, ये देखिए, फुल वीडियो। अब आपने मिनिमाइज कर दिया इसको, अब बाहर आ गए आप। अब ये तो आपको YouTube समझ आ गया होगा, आप कारप्ले में रन कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ मैं आपको एक और दिखाता हूं। अब कोई भी आपके फोन में ऐप है, लाइक ये देखिए, मेरे फोन में ये वीएलसी प्लेयर है, मैं आपको ये भी रन करके दिखाऊंगा। इसमें अगर कोई वीडियो है तो ये देखिए, एक वीडियो है इसमें कमांडो, अब मैं इसमें रन करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, यहां पर दिखा देगा रनिंग। कोई भी वीडियो अगर आपके फोन में है तो आप रन कर सकते हैं उसको। अब आप बाहर आ गए, ये देखिए, जैसे मैं बाहर आऊंगा यहां पे चलती रहेगी। अब इसको मैंने पॉज किया, हम भी बाहर आ गए। अब मैं आपको इसमें एक और ऐप यूज करके दिखाता हूं, वो भी आप रन कर सकते हैं। लाइक डॉक्यूमेंट ऐप है ये मेरी, ये देखिए, ये भी ओपन हो जाएगी।
ऑलमोस्ट सारी ऐप आप इसमें ओपन कर सकते हैं अगर आपने ये अनेबल किया हुआ है कारप्ले। अब ये कैसे आता है ये आपको ही बताए, इसके लिए आपको अपना फोन जेल ब्रेक करना पड़ता है। जेल ब्रेक कैसे होता है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कौन कौन सी वर्जन पे आप जेल ब्रेक कर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट है। अब जब आपका फोन जेल ब्रेक होगा, ये सीडिया का आइकन आप देख रहे हैं, आपने इसमें चले जाना, ये देखिए यहाँ पर भी ओपन हो चुका है, यहाँ सोर्सेज में गए, इस ट्वीट का नाम है कार प्ले, ये रहा कार प्ले 14, ये देखिए कार प्ले 14, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये iOS 14 के लिए कंपेटेबल है। अब इसका सोर्स मैं बता देता हूँ कौन सा है, AA प्रोफेसर के नाम से, ये देखिए। अब ये आपने डाउनलोड कैसे करने हैं, सोर्स कैसे आते हैं, उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सोर्स का नाम है myclassic.net AA प्रोफेसर, ये रहा। अब इसमें जाके आपने कार प्ले जैसे है वो इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ये बाय डिफॉल्ट आपके सेक्शन में आ जाएगा, ट्वीक के सेक्शन में। जैसे मैं बाहर जाके आपको दिखा देता हूँ, बाहर आ गए हम, ये देखिए कारप्ले 14, ये रहा। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो ये देखिए, ये सेटिंग में जाके ये रहा कार प्ले इनेबल, आपने ऑटो कर देना है और सारी एप्स जो आप रन कर सकते हैं इसमें सारी की सारी आपने टिक मार्क कर देना है, वो सारी की सारी एप्स रन होंगी आपके सिस्टम पे। आप कोई भी ऐप लाइक ये देखिए गूगल ट्रांसलेट है, मैं ये भी ओपन कर सकता हूँ अगर आपने कार प्ले इनेबल किया हुआ है, कोई भी ऐप चाहे आप ओपन कर सकते हैं, लाइक ये ओएलएक्स है ये भी। बट इसके लिए आपको अपना फोन जेल ब्रेक करना होगा। अब आपको पता ही है जेल ब्रेक कैसे होता है। आई होप गाइज आपको आज का मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।